नमस्ते, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हमने लेटेस्ट जीकेम 8.7.2 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है रेडमी नोट 11 डिवाइस के ऊपर। इस जीकेम के साथ जो काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स को ऐड किया गया है, जैसे कि यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन है, यहाँ पर लाइका मोड को ऐड किया गया है, प्लस ऑटो वाइड बैलेंस HDR मोड का जो ऑप्शन काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान इस जीकेम का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जीकेम AGC 8.7 का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस जीकेम को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो जीकेम का जो बिल्ड है उसको एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14 के साथ काम कर जाएगा। यहाँ पर स्नैपड्रैगन, एक्सिनोस, मीडियाटेक एंड पिक्सल का जो टेंसर चिपसेट है उसके साथ भी काम कर जाएगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। तो पर ढेर सारी डिवाइस का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है इस जीकेम के साथ। यहाँ पर रेडमी, रियलमी, सैमसंग, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, आईको, नथिंग फोन 1, नथिंग फोन 2, मोटरोला, इन्फिनिक्स एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी डिवाइस के ऊपर ये जो जीकेम का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। सबसे पहले पर बात कर लेते हैं यूजर इंटरफेस के बारे में। तो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर HDR नेट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, HDR नेट के साथ जो है इंस्टेंट फोटो क्लिक कर पाओगे। यहाँ पर जो है कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन है, लाइका मोड का जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कर जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है फ्लैश का ऑप्शन है, HDR एनहांस मोड का ऑप्शन है, टाइमर का ऑप्शन है। इसके साथ जो आप XML फाइल को इंपोर्ट कर पाओगे, इस ऑप्शन के साथ आप जो है मल्टीपल लेंस में स्विच कर सकते हो। यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस, मैक्रो लेंस, जूम लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। नाइट साइट मोड के साथ जो है पर एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, नियर फार का ऑप्शन है एंड यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ भी HDR मोड काम करता है, बेटर डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। फेस रिटचिंग का जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है एंड यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है फुल HD 60fps, 4K 60fps का ऑप्शन है, प्लस स्पीच एनहांसमेंट का जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर स्लो मोशन टाइम लैप्स का ऑप्शन है, पैनोरामा एंड फोटो एस्पर मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अब यहाँ से 360 वर्टिकल, वाइड एंगल, हॉरिजॉन्टल फोटो क्लिक कर पाओगे। तो 360 फोटो क्लिक करने के लिए फोटो एस्पर मोड है, पैनोरामा के साथ जो वर्टिकल फोटो को क्लिक कर पाओगे एंड यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर अगर बात करें पर फ्रंट कैमरा के बारे में, यहाँ पर जो है फ्रंट कैमरा के साथ HDR मोड, फेस रिटचिंग, टाइमर एंड सेल्फी के साथ जो फ्लैश का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। ना यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू है, सेटिंग्स मेनू को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते देखते क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है सेटिंग्स मेनू के साथ। यहाँ पर सबसे पहले जो डेवलपर सेटिंग्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, डेवलपर सेटिंग्स के साथ अब जो है नया नया फीचर्स को एनेबल कर सकते हो जो कि बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहते। इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, जीकेम का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, EIS, OIS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। सेव सेल्फीज एज प्रीव्यू का ऑप्शन है, मिरर फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, एक्सपोजर का ऑप्शन है, ब्राइटनेस एंड शेडो को एडजस्ट कर सकते हो, वाइट बैलेंस का ऑप्शन है, कलर टेम्परेचर को एडजस्ट कर पाओगे। बेसिकली इस ऑप्शन के साथ जो है कूल टोन एंड वार्म टोन को सिलेक्ट कर पाओगे, ग्रिड टाइप, फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन के ऊपर जो है HDR कंट्रोल, रॉ फोटोज का ऑप्शन है, HEVC फॉर्मेट में वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, HDR नेट का ऑप्शन है, ऑटो नाइट साइड मोड का ऑप्शन है, डिले आफ्टर फोकस का ऑप्शन है, फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, टॉप शॉट का ऑप्शन है, बेसिकली मोशन फोटोज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, DCI-P3 कलर का जो ऑप्शन से अवेलेबल है, यहाँ पर GPG क्वालिटी को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर OIS का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर OIS का सपोर्ट है तो यहाँ पर वीडियो स्टेबलेशन के साथ काम कर जाएगा एंड यहाँ पर ब्राइट लाइट फिक्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है इस ऑप्शन के साथ। प्लस यहाँ पर जो है डिवाइस स्टोरेज के ऊपर देख सकते हो आप कितना मिनट तक वीडियो को क्लिक कर पाओगे, कितना फोटोज को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर गेशेस का ऑप्शन है, यहाँ पर डबल टैप के साथ जो है जूम कर पाओगे, कैमरे को स्विच कर सकते हो, वॉल्यूम बटन के साथ जो फोटो क्लिक कर पाओगे, जूम कर पाओगे, प्लस वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हो। सोशल शेयर का ऑप्शन है, डायरेक्टली जीकेम से फोटो वीडियो को शेयर कर सकते हो,
गूगल लेंस सजेशन, कैमरा साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है, सेव लोकेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है लिप फाइल का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है, XML फाइल का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है, प्लस कस्टम वाटरमार्क को भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन है। यहाँ पर लेंस सेटिंग्स का ऑप्शन है, प्लस जो है डिवाइस इंटरफेस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर जाके आप जो अलग अलग पिक्सल डिवाइस का जो UI उसे एनेबल कर सकते हो, पिक्सल 6 प्रो, पिक्सल 6 ए, पिक्सल 7 एंड पिक्सल 7 प्रो का जो यूजर इंटरफेस उसे एनेबल कर सकते हो। हमने यहाँ पर पिक्सल 7 प्रो सिलेक्ट किया है। उसके बाद जो है यहाँ पर GCam को रीस्टार्ट करना होगा गूगल कैमरा को। यहाँ पर रीस्टार्ट करने के बाद आप जो पिक्सल 7 प्रो का जो UI उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। एनीवे यहाँ पर जो लेंस सेटिंग्स को ऐड किया गया है, लेंस सेटिंग्स में जाके आप जो है हर एक कैमरा लेंस के लिए अलग अलग सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मेन कैमरा के लिए डिफरेंट सेटिंग्स, अल्ट्रा वाइड लेंस के लिए डिफरेंट सेटिंग्स एंड यहाँ पर मैक्रो लेंस के लिए डिफरेंट सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर जो मेन कैमरा इसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, डिवाइस इंटरफेस का ऑप्शन है, HDR मॉडल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर अलग अलग पिक्सल डिवाइस का जो UI है उसे सिलेक्ट कर सकते हो, प्लस HDR मॉडल को भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर लेंस सेटिंग्स में जाकर आप जो है हर एक लेंस के लिए जो है HDR मोड के ऊपर फ्रेम को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे। अगर आप HDR मोड में जाके जो है फ्रेम को इंक्रीज करते हो तो यहाँ पर फोटो सेव होने में टाइम लगेगा और फोटो के साथ जो बेटर क्वालिटी देखने को मिलेगा, बेटर डिटेल्स देखने को मिलेगा, एक्सपोजर का ऑप्शन है, यहाँ पर कलर सेटिंग्स का ऑप्शन है, इवन जो ऑटो वाइट बैलेंस है, नॉइस मॉडल है उसे भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पर ऑटो वाइट बैलेंस के ऊपर जो है पिक्सल 2, पिक्सल 3 अलग अलग डिवाइस को ऐड किया गया है। बेसिकली आपके डिवाइस के ऊपर जो भी कैमरा सेंसर रहेगा उसे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो है आपके डिवाइस के ऊपर कोई भी ग्रीन टिंट के रिलेटेड इशू देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर जो नॉइस मॉडल को भी ऐड किया गया है, नॉइस मॉडल के साथ जो है फोटो के ऊपर जो नॉइस उसे आप जो है रिड्यूस कर सकते हो। हर एक कैमरा लेंस के लिए आपको यहाँ पर जो है नॉइस मॉडल एंड यहाँ पर जो ऑटो वाइट बैलेंस उसे सिलेक्ट करना होगा। अगर ज़्यादा नॉइस देखने को मिल रहा है तो, और अगर आप ग्रीन टिंट का इशू फेस कर रहे हो तो। बाकी यहाँ पर रेजोल्यूशन फिक्स का ऑप्शन है, अपस्केलिंग इमेज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल से भी ज़्यादा फोटो क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर व्यू फाइंडर फॉर्मेट का ऑप्शन है। इस तरह से सभी जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, तो डेफिनेटली आप इस GCam को ट्राई करके देखो, काफ़ी बढ़िया जो पर फोटो क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। नाउ यहाँ पर कुछ फोटो को क्लिक करते देखते किस तरह से पर जो ओवरऑल क्वालिटी देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पर जो HDR एनहांस मोड को बंद करके HDR मोड को ऑन किया है। यहाँ पर इस गूगल कैमरे के साथ जो है बढ़िया फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा, HDR प्रोसेसिंग का जो ऑप्शन है पर काम कर जाएगा। यहाँ पर लाइका मोड के साथ जो काफ़ी बढ़िया सिनेमेटिक फोटो क्लिक कर सकते हो, सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक कर पाओगे। हमने यहाँ पर ऑटो वाइट बैलेंस को एनेबल कर दिया है। ऑटो वाइट बैलेंस के साथ जो है यहाँ पर एक्यूरेट कलर देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ हमने नोटिस किया है। किस तरह से हमने जो है जल्दी जल्दी कुछ फोटो को क्लिक करते देखते किस तरह से पर जो है क्वालिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास है पोको A5 डिवाइस, इसके साथ भी कुछ फोटो को क्लिक करके देखते किस तरह से पर जो है क्वालिटी देखने को मिलेगा एंड बढ़िया प्रोसेसिंग देखने को मिलेगा। काफ़ी फास्ट फोटो को क्लिक कर सकते हो एंड डेफिनेटली बढ़िया क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगा फॉर श्योर। एंड अगर बात करें यहाँ पर जो है फोटो सैंपल के बारे में, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देखने को मिल गया है। फोटो के ऊपर डिटेल्स काफ़ी बढ़िया है, HDR मोड काम कर जाएगा, HDR एनहांस मोड काम कर जाएगा, ब्राइट इमेज देखने को मिल गया है एंड सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक कर सकते हो। 2x के साथ भी जो डिटेल्स है बढ़िया है। लाइका मोड को एनेबल करने के बाद जो है लाइका सिनेमेटिक इफेक्ट जो है देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली फोटो के ऊपर जूम करने के बाद भी बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलता है, देख सकते हो क्वालिटी ओवरऑल बढ़िया है एंड काफ़ी हद तक जो नेचुरल ब्लर भी देखने को मिल जाएगा, ब्राइट इमेज देखने को मिलता है, डिटेल्स भी बढ़िया है एंड यहाँ पर फोटो के ऊपर जो नॉइस है उसे भी रिड्यूस किया गया है। तो डेफिनेटली आप जो इस GCam को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया इस GCam के साथ जो है पर फोटो क्वालिटी जो है देखने को मिल जाएगा फॉर श्योर। नाउ यहाँ पर इस GCam के साथ जो है यहाँ पर जो है XML एंड लिप फाइल के साथ जो इशू था उसे फिक्स किया गया है। यहाँ पर Vivo X90 Pro Plus डिवाइस के साथ जो फोकस ट्रैकिंग का इशू है उसे फिक्स किया गया है, प्लस फोटो अपस्केलिंग का जो इशू है उसे फिक्स किया गया है। पर
HDR नेट के साथ नया वाला UI देखने को मिलेगा, ऑटो वाइड बैलेंस को ऐड किया गया है, प्लस ब्राइट लाइट फिक्स का ऑप्शन है, HDR प्रोसेसिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पोर्ट्रेट मोड के साथ भी आप जो है HDR एनहांस मोड को यूज कर सकते हो, प्लस यहाँ पर डेवलपर सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है वाटरमार्क को ऐड किया गया है, एंड सैमसंग का जो एक्सिनोस प्लस मीडियाटेक डिवाइस के साथ साथ स्नैपड्रैगन डिवाइस के साथ भी ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। Xiaomi 13 Pro, Samsung S23 Ultra, Vivo X90 Pro Plus डिवाइस के साथ भी ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है काम कर जाएगा।